तो गाइस एक क्राइम थ्रिलर मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है द फ्रोजन ग्राउंड। इसे देखने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का समय देना पड़ता है और इसकी हिंदी डबिंग डिसअपॉइंट करती है। दूसरी शब्दों में बोलूं तो बस काम चलाव है। और इसे फैमिली के साथ भूलकर भी मत देखिएगा, बहुत सारा सीन सब है इसलिए बोल रहा हूँ। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो गाइस इसमें अलास्का नाम के एक शहर को दिखाया गया है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर हो रहा है, मतलब ना बहुत ही भयानक तरह से, भयावह तरह से मर्डर हो रहा है, मतलब हत्या हो रहा है। कोई सीरियल किलर उन लड़कियों को मार रहा है, तो पुलिस उस सीरियल किलर को तलाश कर रही है कि आखिरकार कौन उन लड़कियों को मार रहा है एंड क्यों मार रहा है। तो क्या पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती है, इस बीच कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, यही सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इसे 80 के दशक में सेट किया गया है। तो गाइस फिल्म अच्छा है पर सबके लिए नहीं है। आपने सही सुना, फिल्म अच्छा है पर सबके लिए नहीं है। यदि आपको स्लो पेस क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो ये आपकी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है तो फिल्म देखने में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है, फिल्म और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि जो कुछ भी दिखाया गया है एकदम सच्ची घटना से, मतलब इंस्पायर है। ये सच्ची घटना पर जो इवेंट हुआ है उस पर आधारित फिल्म है तो फिल्म देखने में और भी मजा आता है। और जिस तरह से टेंशन के माहौल को उसमें दिखाया गया है, जिस तरह से थ्रिल को दिखाया गया है, वो सब देखने में मस्त लगता है। अब बहुत ही ब्रूटल, मतलब मर्डर सीन सबको दिखाया गया है, लाश सबको दिखाया गया है। एंड आप जानने की इच्छा रखते हैं कि आखिरकार वह सीरियल किलर कौन है, अब आगे क्या होगा, क्या उसे सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या वह पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। परफॉर्मेंस की बात करो तो जी हाँ, सभी ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, एकदम रियलिस्टिक वाला फील आता है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करो तो जी हाँ, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। जिस तरह से बर्फ गिर रहा है, फिल्म का शूटिंग किया गया है, वो सब देखने में अच्छा है क्योंकि अलास्का में ऐसी बर्फ ही बर्फ है तो आप जानते हैं। तो वहां पर बहुत ही मस्त फिल्म को शूट किया गया है, एकदम अच्छा लगता है देखने में एकदम। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आपको स्लो पेस क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो इस मूवी को देखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये सब के लिए नहीं है। यदि आपको स्लो पेस क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो इसे देखिएगा, मजा आएगा। और फैमिली के साथ मत देखिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।